ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तड़के वाले चावल और काले चने शोरबे वाले जो हैं वो तैयार किए हैं। तो किस तरह तैयार किए हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें हैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें और ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे वॉच टाइम मिलेगा। तो चलिए तैयार करते हैं हम तड़के वाले चावल और शोरबे वाले काले चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। बारिश हो रही है जी बहुत तेज़ रात से ही, और बहुत ही ज़्यादा बारिश है। ये देखें शहर में भी इतना पानी जमा हो गया है कि गुजरा नहीं जा रहा यहाँ से। ये देखें, ये देखें कितना पानी जमा हो गया है शहर में। ये देखें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, रात से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा है, पानी सीढ़ियों से भी नीचे जा रहा है। ये देखें सारा पानी नीचे जा रहा है सीढ़ियों से। और नीचे भी देखें कितना पानी है, बारिश देखें। अच्छा जी, एक तो हो रही है बारिश, ऊपर से हो रहे हैं बच्चों के पेपर्स, तो जिसको पढ़ा पढ़ा कर मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज जो मैं चीज़ बनाऊँगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ क्या क्या हो रहा है आज कल घर में। तो पेपर्स हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रही हूँ साथ साथ, पेपर्स की तैयारी है और बारिशें भी हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज कोई ऐसी आसान सी डिश बना ली जाए जो कि मुश्किल ना हो, टाइम कम लगे और बच्चों को ज़्यादा वक्त दे सकूं पढ़ाई में। तो इसके लिए जी मैंने काले चने का इंतखाब किया है। तो आज मैं काले चने की ग्रेवी बनाऊंगी, साथ में चावल पका लूंगी ताकि आसान हो जाए काम मेरा। तो मैंने एक पाव चने लिए हैं, भिगो दिया था 2 घंटे पहले, क्योंकि रात को मैंने इसलिए नहीं भिगोए कि फ़ैसला अभी हुआ कि क्या पकाया जाए, बस आसान सी चीज़ बना ली जाए। तो साफ़ करके भिगो दिए, और 10 गिलास पानी है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। तो 10 गिलास पानी डाल दिया है साथ में। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी लेकिन बहुत मज़े के होंगे, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लहसुन ले लिया है, छील लिया है, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की काट ली है, टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे ये मैं ऐसे ही डालूंगी क्योंकि ये इसमें घुल जाएंगे बिल्कुल। तो मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में मसाला जार डालूंगी। अच्छा जी, मसालों में लिया है 1 खाने का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चुटकी कलौंजी, क्योंकि चने जो हैं वो बादी होते हैं तो चुटकी कलौंजी डाल लेना अच्छी बात है। तो ये तमाम मसाले शामिल करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ढक देती हूँ उसको, कुकर बंद कर देती हूँ। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको काले चनों को गलने में अच्छे तरीके से, बेशक आप रात को भिगोएं या सुबह भिगोएं, 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लाजमी लगता है अच्छे वाले गलने में। तो मैं इसको 1 घंटे बाद खोलूंगी क्योंकि पानी चेक करना है मुझे इसमें, तो इसलिए मैं लगेगा तो 1.5 घंटा, लेकिन मैं 1 घंटे बाद खोलूंगी पानी चेक करके दोबारा डालकर, और मैं फिर उसको बंद करूंगी। तो मिलती हूँ चनों के गलने। कुकर चल रहा है तो मैंने चावलों के लिए जो है वो मैंने 1/2 किलो चावल जो है वो साफ़ कर लिया है, अभी मैं इसको भिगो देती हूँ धोकर। 2 अदद टमाटर काट लिए हैं, 1 छोटी सी प्याज काटी है, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, यहाँ पर 1/2 कप मैंने डाला है घी, गर्म होता है डालती हूँ इसमें मैं प्याज। घी गर्म हो गया है, प्याज शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ब्राउन हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और आप इस वक्त जितना प्याज का कलर ब्राउन करेंगे उतना ही चावलों का कलर आएगा। तो साथ ही हम शामिल करते हैं टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से बन जाएंगे फटाफट, क्योंकि पेपर है SSC का तो वो जो है मेरे बगैर कोई काम नहीं चलता बच्चों का, मुझे पता है उसको कितना पढ़ाना पड़ता है।
तो इसलिए मैंने सोचा बस फटाफट हो जाए जो भी काम है खाने पीने का, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, चलना है, आप लोगों से भी बातचीत रहेगी। तो अच्छा जी, टमाटर भी हमारे तकरीबन इसमें घुल गए हैं, अब हम मसाले डालते हैं। तो 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं नमक, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच अदरक मिर्च है, 1/2 चाय का चम्मच जीरा है, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसमें और अब डालूँगी मसाला जार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हल्का सा 2-4 मिनट जो है वो मसालों को जो है फ्राई करूँगी मैं। को हो गए हैं जी 4-5 मिनट तकरीबन भूनते हुए, अब मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पानी को बॉयल आने दूँगी मैं जी। 1.5 घंटे बाद खोला है कुकर को, तो ये देखिए हमारे चने जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ घी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक घी डाल रहे हैं, मैं तकरीबन इसमें 1/2 पाव से थोड़ा सा कम घी डालूँगी, आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना घी डाल लें। और मैं अब इसको भून लूँगी थोड़ा सा, घी मैंने डाल दिया है, फ्लेम मैं दोबारा ऑन करती हूँ क्योंकि कुकर खोलने से पहले मैंने जो था फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, पानी उबल गया है, अब मैं डालती हूँ इसमें चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाल दिए हैं, अब 4-5 मिनट मैं इसको ढककर पकाऊं। यहाँ जी मसाला जो है वो अच्छे से भून लिया है हमने चनों का, ये देखें चने भून गए हैं घी डालकर जो भुना था, और अब इसमें मैं हसबे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इतनी ग्रेवी मिल जाए कि हम चावलों पर इसको डालकर जो है वो खा सकें। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल करें, ग्रेवी डालें, मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें। और अब मैं इसको पकने दूंगी हल्की आंच पर, 4-5 मिनट हो गए इसको हल्की आंच पर पकते हुए, अब मैं इसमें 1/2 चाय के चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करके तो इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए दम लगाऊं। 4-5 मिनट पकाने के बाद चावल आ गए हैं दम पर, तो मैं इसको लगाती हूँ 5-7 मिनट का दम, और यहाँ पर हमारे चने भी हो गए हैं तैयार, तो फ्लेम मैं कर देती हूँ ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे तड़के वाले चावल और चने शोरबे वाले, काले चने शोरबे वाले जो हैं वो तैयार हैं। देख लें, आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए तो आपने लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफ़िज़।